नमस्कार दोस्तों, रावण स्टॉक मार्केट में आप सभी का स्वागत है। तो आज इन्वेस्ट करो कल आराम करो कंसेप्ट के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले छोटे से कंपनी के बारे में जिसका नाम है मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड। प्राइस आज के दिन में यहाँ पे 505 रुपये दिखा रहा है, जैसे कि कंपनी ने यहाँ पे बोनस का अनाउंसमेंट किया था, इसके वजह से प्राइस एडजस्ट होकर यहाँ पे आज के दिन में आधा दिखा रहा है। तो आगे जाके यहाँ पे जो कंपनी बहुत ही तगड़े रिटर्न दे सकते हैं, तो ऐसे कौन से रीजन है यहाँ पे आपके डिमैट अकाउंट के बोनस के शेयर्स कब आ जाएंगे, रेशियो क्या था, पूरे डिटेल में स्टडी करने वाले। लेकिन यहाँ पे यही कहना चाहूँगा, खुद का स्टडी जरूर कीजिए, उसके बाद बाय और सेल का डिसीजन ले सकते हैं। जैसे कि जो मध्य भारत एग्रो के जो लॉन्ग टर्म के रिटर्न है, लगभग 3200% से ज़्यादा रिटर्न दे सिर्फ 1 या 1.5 साल के अंदर। आप लोग देख सकते हैं जो एक्चुअल रिटर्न बने यहाँ पे 2021 के बाद बने, मतलब सोच सकते हैं 1.5 साल के अंदर कंपनी ने माला माल करके रखा है अपने शेयरों को। तो आगे भी कंपनी का बिजनेस अच्छा हो सकता है, क्योंकि कंपनी जो यहाँ पे केमिकल सेक्टर से कंपनी बिलोंग करते, जैसे कि जो एग्री के जो केमिकल रहते हैं उसको बनाने का काम करते, और यहाँ पे डिमांड बहुत ही ज़्यादा है इस केमिकल सेक्टर का, तो बहुत ही शानदार रिटर्न बनने के चांसेस है। ये तो गए कंपनी के बिजनेस के बारे में। तो जैसे कि कंपनी ने अनाउंसमेंट किया था 1:1 का बोनस दिया था, जैसे कि जिसके पास एक शेयर रहेगा उसको डायरेक्ट 1 शेयर एक्स्ट्रा मिलने वाला था, और इसका रिकॉर्ड डेट हो चुका है ऑलरेडी। आज के दिन में इसका रिकॉर्ड डेट था 19 अक्टूबर। तो जिसने भी यहाँ पे 2 दिन पहले स्टॉक खरीद लिया उसको यहाँ पे बोनस का फायदा मिला है। देखिए, कभी भी बोनस स्प्लिट जो रहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए रहते हैं, यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए इसका फायदा नहीं रहता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए प्राइस आधा हो जाता है, आप लोगों को पता रहेगा। जैसे कि जो फॉर द एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल से समझ देते हैं, जैसे कि ABC नाम का एक शेयर है, उसका प्राइस 1000 रुपये है, और आपके पास 1000 शेयर है। कंपनी ने क्या किया, 1:1 का बोनस दिया, तो क्या हो जाएगा, आपके डिमेट अकाउंट पे 2000 शेयर्स आ जाएंगे। वापस से 2 साल के बाद कंपनी ने 1:1 का अनाउंसमेंट किया, तो क्या हो जाएगा, आपके डिमेट अकाउंट पे 4000 शेयर्स हो जाएंगे। तो इसका फायदा क्या होता है, जब भी कंपनी सिर्फ 1 रुपये का डिविडेंड देते तो डायरेक्ट आपके सेविंग अकाउंट पे यहाँ पे 4000 रुपये आते सिर्फ यहाँ पे डिविडेंड के। यही एक लॉन्ग टर्म के लिए फायदा होता है, शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक का प्राइस आधा हो जाता है, इन्वेस्टमेंट उतना ही रहता है, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते। एक एग्जाम्पल हो गया। तो एग्जैक्टली और भी जो न्यूज़ है उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, जैसे कि जो कंपनी ने 1:1 का बोनस दिया था, इसके वजह से आज के दिन में स्टॉक का प्राइस आधा हो चुका है। तो जो नंबर ऑफ शेयर्स आपके डिमेट अकाउंट पे कब आ जाते हैं, तो 4 से 5 बिजनेस डेज के अंदर यहाँ पे डिमेट अकाउंट पे क्रेडिट हो जाते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे 4 या 5 दिन के अंदर आपके डिमेट अकाउंट पे शेयर्स आ जाएंगे, मे बी स्टॉक में लोअर सर्किट लगने के चांसेस है। क्यों ऐसा होता है, जो बड़े प्लेयर रहते हैं अपने यहाँ पर माल बेचना चालू करते हैं, इसके वजह से स्टॉक लोअर सर्किट में गिरता है। तो कंपनी का ये तो हो गया बोनस के बारे में। तो कंपनी क्या सच में यहाँ पे प्रॉफिट बना पा रही क्या अपने बिजनेस से, वो देख लेते। जैसे कि यहाँ पे नेट प्रॉफिट देख सकते हैं, यहाँ पे 2020 के डाटा के हिसाब से कंपनी को 14 करोड़ का नेट प्रॉफिट होता, 2021 में 20 करोड़ हो गए, 2022 में 57 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ, मतलब जो कंपनी नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ा रहे। तो यहाँ पे कंपनी का सबसे ज़्यादा रिस्की पॉइंट क्या है, जैसे कि शेयर होल्डर पैटर्न, यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग कितना है 54% और पब्लिक कितने 25%। प्रमोटर होल्डिंग तो अच्छे है, लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कोई फॉरेन इन्वेस्टर नहीं है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर नहीं। इसकी वजह से क्या होता है, अगर कंपनी में कुछ खराब न्यूज़ आती है तो मे बी स्टॉक आराम से 70 से 80% गिर सकता है, क्योंकि प्रमोटर एग्जिट कर सकते हैं, और किसके गले में स्टॉक पड़ सकते हैं, यहाँ पे पब्लिक के गले में स्टॉक जा सकते हैं। तो यहाँ पे सोच समझ के पैसा लगाए, ऑलरेडी बोनस मिल चुका है, तो आपको बोनस मिलने के चांसेस बहुत ही कम है। जिस दिन कंपनी के रिजर्व बढ़ेंगे तब जाके यहाँ पे बोनस मिल सकता है। ये तो था आज का ब्रेकिंग न्यूज़। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं।